ये वीडियो शायद मेरे चैनल की सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो हो दिस इज यू नो टारगेटेड टुवर्ड्स पाकिस्तान पाकिस्तान के वाम लेकिन दूसरी कंट्री वाले भी देख सकते हैं बट इस वीडियो में मैं वो बातें करूंगा जो मैं अपने अंदर छुपा के रखता था काफी देर से बोलता नहीं था लेकिन आज भाई ये फुल ऑन रेंट ब्लॉग बनने वाला है ठीक है नॉट अ ब्लॉग रेगुलर ब्लॉग आई एम गोना सेट एंड टॉक दिस इज गोना बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोज आई पुट आउट क्योंकि बहुत से बच्चे मेरे से एडवाइस देते थे करियर के बारे में बिजनेस के बारे में और मैं आपको अपना फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस बता रहा हूँ अबाउट डूइंग बिजनेस इन पाकिस्तान जो मैंने कोचिंग

realize something. दे वर एक्चुअली राइट लेकिन यही जो लोग है ना ये यही वाली अवाम है इन्होंने हमारे मुल्क को सारा खराब किया आई बी वेरी ऑनस्ट यू इन्होंने वो बच्चे मुल्क के रेस किए जिन्होंने आगे जाके करप्शन की सीड को और फैलाया करप्शन ना हमारे गवर्नमेंट में नहीं है करप्शन हमारे नई से धोबी से लेके हमारे बड़े से बड़े लीडर सबके अंदर रच बसी हुए और मैं आपको इस सारी बात जस्टिफाई करूंगा अपने एक्सपीरियंस से विद्लो ब्रांड एंड द कोचिंग अब जो बच्चे कह रहे हैं ना मूसा भाई आपको क्लोदिंग की बात कर रहे हो करो दिस नॉट अबाउट क्लोदिंग दिस इज अबाउट एन एक्सपीरियंस ऑफ डूइंग बिजनेस इन पाकिस्तान आप सारे गुरुज को देखते हो कहते हैं बेटा कुछ स्किल लर्न करो कोई बिजनेस करो पाकिस्तान के अंदर ऑन्टरप्रीनरशिप स्टार्ट करो यार आप जो मर्जी कर लो पाकिस्तान के अंदर ना सारे आपको नीचे गिराने बैठे हैं कोई आपको सक्सेसफुल नहीं देखना चाहता सब चाहते हैं कि भाई हमारा जो पावर है ना वो अगले के ऊपर हो इस कुत्ते कमीने को कभी ऊपर नहीं जाते देख सकते कि कहीं ये हमारे मुल्क का कभी भला ना कर दे इकोनॉमिकली अब फॉर एक्जाम्पल मैंने क्लोदिंग बिजनेस स्टार्ट किया राइट जब मैंने स्टार्ट किया तो मैंने प्राइसेस रखी हुई थी अकॉर्डिंग टू यू और क्योंकि मुझे पता था मेरे जो मैं ब्रांडिंग कर रहा हूँ जो मेरा कपड़ा है उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है और जितने भी मेरे प्रोडक्ट बाय किया आप रिव्यूज देख सकते हैं सबको ये चीज बहुत पसंद आई लेकिन हुआ क्या कि लोगों ने कंप्लेन की उन्होंने कहा देखिये पाकिस्तान में ना बाइंग पावर नहीं है इतनी हमें अफोर्डेबिलिटी नहीं है हमें थोड़ा सा सस्ता करके दें मैंने कहा चलो ठीक है अब सस्ता मैंने क्या किया आधी प्राइस कर दी बिल्कुल ठीक है उसके बाद लोगों ने शिपिंग का शोर मचाया कि शिपिंग नहीं होनी चाहिए इस प्राइस में मैंने कहा शिपिंग भी फ्री कर लो उसके बाद एक और शोर है कि कैश ऑन डिलीवरी होनी चाहिए मैंने कहा यार चलो क्या याद करोगे कैश ऑन डिलीवरी कर दो बट कैश ऑन डिलीवरी इज समथिंग जो आप एक एज अ सेलर ट्रस्ट करते हो बायर को की

And it. These are the good cash and की, लेकिन क्या होता है ऑर्डर डाला है तो ऑर्डर डाला क्योंकि तुम्हें चीज चाहिए थी अब जब तुम्हारे घर डिलीवर हुई है एक बंदा था उसने डिलीवरी लेने से मना कर दिया कि नहीं मैंने नहीं लेने बाहर का कोई भी मुल्क होगा ना इसके कॉन्सिक्वें चीज की किया आप इस तरह मना नहीं कर सकते यू हैव टू गो टू प्रॉपर प्रोसीजर और उसका बड़ा ऑर्डर था मैं फ्री डिलीवरी कर रहा हूं, हूं। जेब से पैसा डाल रहा हूं कॉल उठाई ना एड्रेस उसका मिला ना कुछ अब देखो बात ही आ जाती कि ऐसे कस्टमर्स की वजह से जो अच्छे हैं जो अच्छे लोग हैं उनका काम हर्ट होता है वहां यार हर चीज में इतनी रुकावटें आप पाकिस्तान में बिजनेस करो तो कैसे करो कोई आम बंदा भी अगर बिजनेस वहां पे करने जाता है पेमेंट के इशूज होते हैं वहाँ पे पे पहल नहीं अभी तक वहाँ पे चलता कोई पेमेंट गेट वे नहीं है जो सुतरा हो वहाँ पे ठीक है अगर आपने पाकिस्तान से अमेरिका पैसे मंगवाने होते हैं तो उसका चार्ज भी इतना ज्यादा होता है कि बंदा उससे ठरने नहीं खत्म होते कभी कभी प्रोटेस्ट हो हो रहे हैं, कभी कुछ हैं वाला इवेंट हुआ था ठीक है उसके प्रोटेस्ट हो रहे थे एक दिन हो दो दिन हो बट जब आप सारा इस तरह करके प्रोटेस्ट करके दुकानें तोड़ो यार अपनी मुल्क का नुकसान करो यार आपने प्रोटेस्ट करना है तो सही जगहों पे जा करो जहाँ पे गवर्नमेंट इधारे उधर जाकर प्रोटेस्ट करो जहाँ पे स्कूलों के इधारे मुझे समझ नहीं आती कि यार तुम अपनी मुल्क की इकोनॉमिक को और बुरा क्यों कर रहे हो इट्स ऑलरेडी बैड कोई वहां पे छोटा सा इवेंट होता है सारी रोडे ब्लॉक हो जाती है अब मुझे बड़े कस्टमर इशू कर रहे थे पहुंचाया नहीं ये वो फलाना। मैंने अपना पे था हफ्ता पहले और भी वो सारा कसूर आपका बायर पे डाल देते हैं अब ये सारी बातें मैं अपने लिए नहीं कर रहा बॉयल्स ट्रस्ट मैं आप लोगों के लिए कर आप बिजनेस शुरू करो तो आप इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए देखना अब मैं पाकिस्तानी बड़ा पेट्रियोटिक हूँ और रहा हूँ अमेरिका के अंदर मैं हर जगह पे यार अपने मुल्क के लोगों की मैं अच्छी बातें करता हूँ हर जगह पे मैं तारीफें करता हूं मैं कहता हूँ पाकिस्तान जिंदाबाद पाकिस्तान में इस तरह के लोग हैं हम इंटेलिजेंट हैं लेकिन मुझे पता अंदर से क्या फील होता है कि हम से दोगले हिपोक्रेट कॉम इस दुनिया में कहीं नहीं है अगर मैंने बाहर किसी के साथ बिजनेस करना होता ना अमेरिका के अंदर भी तो आई बी वेरी ऑनस्ट मैं देसी को अवॉइड करता हूँ किसी भी ऑन्टरप्रनोर से पूछ लो तुम जो अमेरिका के अंदर देसी बंदा है उसकी सबसे कम डीलिंग ही देसी के साथ होगी इंडियंस भी तो है यार मैं कोई इंडियन को उठा नहीं रहा जो देख रहे हो भाई मैं सीधी सी बात करूँ जो है वो अपनी कम्युनिटी को ऊपर लाता है यूट्यूबर्स तो में, में देख लो हमारे कॉन्टेंट क्रिएटर्स में देख लो हर बंदा किसी दूसरे को काटने पर होता है यार मैंने शायद अनवर बनाई थी मुझे अपनी गलती रियलाइज हुई और मैंने अपनी सारी वीडियो उसके ऊपर उतार दी है यूट्यूब पर भी देख लो इंस्टाग्राम पर भी देख लो एंड इन फैक्ट मेरी उससे बात भी हो गई थी वी मेड अप अपन एवरी नाउ बिकॉज मुझे फील हुआ कि यार अगर वो तुम उससे कोई चीज कन्विस्स होकर बाय करो तो वो तुम पे है यार यू नो दैट्स आई आई थॉट पर्सनली लाइक अगर मैं उसके साथ कर रहा हूँ तो कल को कोई मेरे साथ भी ये करेगा और मैं आपको ऑनिस्टली बात बताऊँ जो पेट्रियटिज्म के यहाँ पे पाकिस्तान पे अब नारे भी मारते ना कहते हैं कि हमारा मुल्क तो बड़ा अच्छा है हमारे मुल्क के ये हैं फलाना है या वो तो ब्लैक मनी बना, तो बना रहे होते ना, तो वो, कभी ये बात ना करते? वो कहीं और बाहर के मुल्क से या तो पैसे बना रहे हैं या तो वो किसी ना किसी चीज से धोखा करके ब्लैक मनी या कोई ना कोई चूना लगा के पैसे बना रहे हैं जब आपका पेट दूसरी साइड से भरा होता ना तभी आप ये बातें कर सकते हो मुझे पाकिस्तान से कोई इशू नहीं है हर बिजनेसमैन से अब हर फैक्चर से मैंने बात की हर फैक्ट्री वाले से मैंने बात की तो ना करो पाकिस्तान के, के, के अंदर वो चाहते हैं है तो मैंने, उनके लिए सस्ता किया, मैंने कैश ऑन डिलीवरी की मैंने फ्री शिपिंग की फिर भी कुछ इस तरह के लोग बीच में चवलियां मारते हैं तो फिर कहने का मतलब है कि फिर मेरा क्यों दिल करेगा कि मैं एक आधा प्रॉफिट कम करके अपने को लॉस में डाल के तुम लोगों को चीजें प्रोवाइड करूँ क्यों मैं करूँ क्यों मैं अपनी कंट्री के अंदर बिजनेस लाऊ लाइक जो मैं इन्वेस्टमेंट करूँ वो तो बाहर से ही आ रहा है ना क्योंकि जो मैंने बाहर से पैसा कमाया वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट डालना कंट्री की ईमानदार नहीं है उन्होंने ये सारी जनरेशन खराब की है बच्चों को ये नहीं सिखाया कि ईमानदारी किस तरह करनी जब बच्चे स्कूल से आते हैं वापस वो ये पूछेंगे कि हाँ भाई तुमने क्या ग्रेड लिए क्या अचीव किए है तुम्हारे कजन को देखो कितना अच्छा करा है लेकिन कभी ये नहीं पूछेंगे कि यार तुमने किसी के साथ ईमानदारी से चलो किसी का

यार मेरी उम्मीद तो बिल्कुल डाउन है मेरा कोई दिल नहीं कर रहा speaking, जो मेरे आने वाला का है पाकिस्तान में बेचू आधी प्राइस पे बेचूंगा मैं कि तुम लोग यार चीज अच्छी ले लो क्वालिटी तुम्हें तो अच्छी मिल जाए मतलब तुम किसी को कह सको कि यार मैंने मूसा खाना का एक ब्रांड पहना हुआ एक चीज अच्छी पहनी तुम आगे लोगों को रिकमेंड करो मेरा दिल ही नहीं कर रहा और मुझे कोई मसला नहीं अगर मैं आप लोगों ना बेचू मेरे जात से कुछ नहीं जा रहा अल्लाह ने बहुत दिया हुआ है बहुत पैसे हैं भाई अल्लाह का शुक्र है लेकिन मुझे होता है कि चलो यार आप चीज खरीदारी करो आपको अच्छा फील हो फिर मुझे भी उससे अच्छा फील होता है इधर बेच दूंगा इधर तो भाई टिकटॉक शॉप पे इतनी इतनी चीजें बिक रही है मेरा यहाँ पे सामान बिकना शुरू हो गया लाइक मुझे कोई इसमें नहीं है कि मैं आप लोगों को चीज बेचू करूँ और मुझे पता है अभी भी कोई देख रहे ना उनसे कोई जाके यकी जरूर मारेगा जाके ये चवली करेगा और अल्लाह भाई तुम्हें पूछेगा अभी तो तुम हंस के निकल जाओगे लेकिन इंसान की पकड़ होती है इस जिंदगी में नहीं तो आखिरत में जरूर होगी बस कर दो यार ये धोखेबाजियां करना किसी के साथ क्योंकि तुम्हारे आगे आएगा एक दिन अगर आप ये छोटे छोटे चूने लगाते हो ना किसी को देन यू विल नेवर बी सक्सेसफुल ईमानदारी के साथ चलोगे तो तुम्हारी शक्ल पे भी आएगा तुम्हारे और भी आएगा खैर ये बस कुछ लैंड था मैंने तो अभी बड़ी बातें सोची हुई थी और बड़ी गालियां सोची हुई थी जो मैं नहीं दूंगा ऑब्वियसली दिस समथिंग हैज टू चेंज मैन पाकिस्तान में आप क्या ऑन्टरप्रिनशिप करोगे क्या आप शॉपिफाई का स्टोर खोलोगे वहाँ पे क्या अमेजोन एफ बी करोगे Amazon ने अभी तक आया यार वहाँ पे सारे बच्चे बाहर के अकाउंट बना के चाइना से माल मंगवा के वहाँ पे एमेजोन के वेयर हाउसेस पे भेजो तो वहां से डिलीवरी कर रहे होते हैं फिर सबसे अच्छा पता है क्या मंजन है जो मैं आप लोगों को बेचूं मैं जनमन बात बता रहा समझो ना समझो कोर्स का मंजन है बिल्कुल सही करते हैं अब मैं तुम्हें तो बताता हूँ तरह वर्क करता है बिफोर आई गो जब आपने अगर, अगर अपना प्रोडक्ट कभी लॉन्च करना ना आपके पास होना चाहिए उसके लिए लिए कैपिटल प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए, ठीक है आप प्रोडक्ट बाय करते हो मुंह मथे मारना अपने मैनुफेक्चर के साथ अपने डिजाइन देने हैं सौ चीजें होती है पैकेजिंग होती है उसके बाद आप शिपिंग का करते हो उसके बाद आप वेयर हाउसिंग का करते हो इतने रोले होते हैं इतने एक्सपेंसिव आपके होते हैं कि एंड में आप थोड़ा सा ही प्रॉफिट बनाते हो शुरू में कुछ भी नहीं बनता उससे अच्छा नहीं है कि मैं तुम्हें बताऊं कि मैंने ये सारे काम ऑलरेडी किए हुए ये थोड़ा सा मैं लर्न कर लू यूट्यूब पे जाके शॉपेफाई की वीडियो देख लू एमेजोन एफ का देख लू और मुझे ऑनस्टली आता भी है मुझे अमेजन का भी आगे शॉपेफाई का भी आगे टिकटॉक शॉप भी आ गई है मैं अभी कोर्स बना के आप लोगों को बेच दू अच्छा नहीं है मैं यही कर लू फिर एक हफ्ता बैठना मैंने सारी वीडियो रिकॉर्ड करनी है बन गई अब मेरी पैसे इनकम बनी जा रही है ऑल हैव टू डू अच्छी सी जगह पे बैठ दे तो यहाँ पे जाके तुम्हें बता देते हाँ भाई तुम भी ये करो काम और तुम भी मिलियनर बन सकते हो ये प्रोडक्ट है यहाँ से उठाओ यहाँ पे बेचो मिलियनियर यू बनोगे तुम कोई बात ही नहीं है मतलब इसमें मेरी कोई कॉस्ट लग ही नहीं रही बस वीडियो बनाने की कॉस्ट है इंटरनेट का बिल है और ये कैमरा की मेमोरी है बाकी एक मैंने गेटवे बना लेना पेमेंट वहां पर पे जाना है मेरी एक्सेस करोगे आई थिंक दैट्स द बेस्ट बिजनेस मॉडल इसी चीज ने ही सबसे ज्यादा लोगों को अमीर किया एक बंदा जो ईमानदारी तो से एक रियल प्रोडक्ट बेच रहा है उसके साथ तुम धोखे कर रहे हो हर ऑन्टरप्रीनोर की जिंदगी में आता है सिर्फ पाकिस्तान में नहीं हर जगह पे होते हैं मसले लेकिन ऐसे पांपड़ खुसे नहीं होते जहाँ ये लोग ये वाली हरकतें कर रहे हैं जो मैंने आपको बताई लोगों को तो टेंशन होती है यार अपना प्रोडक्ट बेचे कैसे हम कैसे मार्केट करें वो टेंशन है तो अलग पहले धोखेबाजों से बच जाओ वो एक अलग पहले वॉल आ जाती है तो यार पहले अपनी ईमानदारी शुरू करना है, काम यार। एक बात शायद बहुत अच्छी है और मैं 100 है। है, अमेरिका, का मुल्क है, सारे ईमानदारी और पाकिस्तानियों को गालियां देता है पहले मैं इसके खिलाफ था लेकिन ऑनिस्टली स्पीकिंग कभी कभी मुझे लगता है कि सही दे रहा है अभी सॉरी गुस्से में हूँ और मुझे बस आउट ऑफ इमोशन बोल रहा कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखी थी मैं बैठ के बात कर रहा आगे बट कोचिंग में भी लोग क्या करते हैं हमें तो बस ना तुम फ्री की कर दो कोचिंग भाई तुम इतने पैसे क्यों ठग रहे हो तुम अपना बिजनेस क्यों बना रहे हो ये कर रहे हो वो कर रहे हो यार ये जो मैंने सारा ज्ञान आपको देता हूँ खज्जल खुआ एक बंदा होता है अगर वो आपको सर्विस से पैसे ले रहा है है आधे घंटे घंटे के 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 तो वो वो पैसे उसके नहीं है, उस टाइम रहे हैं सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी की ऑल थ्रू दो दट टू यू प्लस मैंने तो अभी कोचिंग वैसे ही कम कर दिया मैं खुद ही नहीं लोगों को ले रहा फिलहाल क्योंकि मैं अपना पूरा मगज और पूरी एनर्जी जिस तरह मैं कैमरे में बोल रहा हूँ ना इससे दस गुना ज्यादा एनर्जी लगा के मैं लोगों को कोचिंग करता था लेकिन अब मैं थोड़ा सा

देर से की बात नहीं की और जहां तक रेगुलर ब्लॉग्स इनशाला वो भी करेंगे एक्चुअली मैं अभी अपने फिजा के मामू जो हैं उनके घर में हूं। तो यहां से मूव करने वाले हैं आई थिंक अगले दस पंद्रह दिनों में मे बी तो वहां पर अपनी जगह पर मूव करेंगे हम मेरे बेटा आयजन उसकी वजह से पे थे बहुत छोटा था तो अब यू नो वी कैन हैंडल एम वेल सो दैट्स मूव तो वहां पर रेगुलर हो जाऊंगा बस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं डोट फॉर गेट टू सबक्राइब मूसा खाना है आई 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 विल सी यू गैज इन द नेक्स्ट ब्लॉग इनशाला